इसमें तुम्हें सदाकत नजर नहीं आई नौज़ बिल्ला। कंट्रोल नहीं होगा आज का जो मेरा मौजू है ना जी, मैं हजामा और आप, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं मुझे लोगों ने पकड़ के उसमें बिलखसूस हकीम मंसूरी साहब और हकीम आप सलीमी साहब हैं कि जिन्होंने मुझे हजामा मिलकर शहर में बना दिया। मैं एक कारगर हूँ, अपने बारे में हमेशा से ये कहता हूँ, अगर एक पहले उस जिंदगी में नकम्मा काबिल था लेकिन अब कुछ सबक तालब इलम मान गए क्योंकि मुझे तालीमी के दौर से मंसूर अजीज साहब ऐसे इस मैसर आए तो उस वजह से मैं एक अच्छा तालब इलम बन गया। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आज मेरे उस्ताद मोहकम भी यहाँ मौजूद हैं और मैं उनकी मौजूदगी में गुस्साही कर रहा हूँ। एक तो यह कि मैंने आपको ये हदीस पढ़ के सुना दी थी, अगर हजामा की तरफ देखिए कि मैंने ये लुगत लुगत से जो ये लफ्ज है सेम कॉपी पेस्ट किया है, हजमन मरी जो हजमा हजामे के बारे में बहुत गलतफहमियाँ मौजूद हैं। इस डिक्शनरी से यह गलतफहमी दूर होती है कि पचने लगाना यानी सीढ़ी के जगह खून चूसना, ये खराब खून को जहन में रखिएगा तो इस सारी गुफ्तगू इसी पर होगी। आगे नजर आ रही है कि फनी इस्तेदाद के लिए हम पाकिस्तान मीडिया कॉन्फ्रेंस के शुक्रगुजार हैं कि उसने फनी इस्तेदाद के लिए ये फोरम आज हमें मैसर करवाया और हजामा बिन बनाया और हजामा बिन के जरिए हजामा से तारुफ उसकी तरफ रगबत दिलाई। ये इसका सारे का सारा जो सेहरा है कि अपनी ज़ात की हिफाजत करना, यानी जो हाजिर है जिसने हजामा करना है अगर वो अपनी ज़ात की हिफाजत नहीं करता तो मेरा ख्याल से कि कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपनी ज़ात की हिफाजत करना, इसके बाद अगला है कि मौजूद की हिफाजत की जाए, जिसका हजामा किया जाए अगर उसकी हिफाजत अपना नज़र नहीं होगी तो ये बईद नहीं है कि वो आपसे एक वर्ष की शफा के लिए आए और दो चार और वर्ष लेके चला जाए। ये तो बहुत बहुत बड़ी खसारे की बात है। आखिरी जो मकसद जो अकेले आखिरी मकसद यही होता है कि हसूल शफा, यानी उस मरीज को शफा हासिल हो। मरीज की आगे चलते हैं, असल जो बुनियादी चीज़ है ना इस काम में, ये चूँकि अमल है, इसमें बुनियादी चीज़ जो आपके स्लाइड में क्या नज़र आ रही है, सफाई, यानी क्या लफ्ज़ है, हिफ्ज़ान सेहत को हम लोग समझते हैं कि शायद ये आजकल के दौर का कोई मौजू है, आजकल के दौर की कोई इलम है। आप जरूर नशीन रखिए कि हिफ्ज़ान सेहत जो है ये हमारे दीन का मौजूद है। हमारे दीन ने हिफ्ज़ान सेहत के जो कवानी पैदा किए हैं वो आजकल की साइंस उसकी गर्द भी निभा सकती है। थोड़ा भारी जुमला बोल दिया मैंने, आप लोगों ने गौर किया, आप लोग यहाँ पे साइंस के उलमा भी बैठे होंगे लेकिन साइंस उसकी गर्द भी नहीं पा सकती हिफ्ज़ान सेहत के मामले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से 1400 साल पहले कि जिस बर्तन में माइक्रो क्रैक डेवलप हो जाए, टूट जाए, उसमें पानी उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया। आज बैक्टीरिया के ऊपर जब माइक्रोस्कोप और दीगर चीज़ें साइंस चीज़ें ईजाद होती हैं तब जाके साइंस वहाँ पहुँचती है। लेकिन छोटी सी बात है, मैं आगे इस पर जिक्र करता हूँ। जिस्मानी हिफाने से कोई ऐसा दूसरा मजहब नहीं है इस्लाम के अलावा, इस्लाम से मैं मुराद मेरा सारा सिलसिला इलाही अध्ययन का है कि नाखून काटना हफ्ते में एक दफ़ा, दसवें में एक दफ़ा, गैर जुड़ी बातों की सफाई, ये इंसान सेहत में आता है जिस्मानी नहीं करा। आगे देखिए तो जो रूहानी हिफ्ज़ान सेहत है इसके बारे में तो साइंस खामोश है। जब आप जिस्मानी तौर पे अपने आप की सफाई सुथराई रखेंगे, माहौल की सफाई सुथराई रखेंगे तो आपकी अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। आपके अंदर बहस, गीना, नफरत, ये जज्बात नहीं होने चाहिए। एक हाजिम के अंदर
हजामा करने वाला हाजिर, हाजिर के अंदर अगर अंदरूनी खजाने से वाला मामला नहीं है तो इस सूरत में ये है कि वो उसके अपना जिस्म जो है वो नेगेटिव चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी अपनी केमिस्ट्री बदल जाएगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि उसके हिजाने सेहत के मामले जो है वो रूहानी तौर पर भी ठीक होने चाहिए। असूल शिफा जिसका मैंने पहले जिक्र किया, इसकी असल कुंजी हमारे पास ये है कि हम फ़नी कवायद की तरफ जो है वो बढ़ें, हम अपनी एहसास को पहचानें और अपने दीन अपने तिब के जो इलम है उसकी तरफ लौटें। अमली इंजामे के सिलसिले में मैं चंद गुजारशात आपके सामने रखूँगा कि पहली चीज़ है तशख़ीस मर्ज। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग हजामा जो है वो मरीज़ की फरमाइश पर कर देते हैं कि मेरे हकीम साहब मुझे यहाँ पर दर्द है तो हकीम साहब ने वही हजामा कर दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आगे जाके इसका मजीद वजह से जिक्र करूँगा कि तशख़ीस करनी बुनियादी ज़रूरत है हजामा के लिए। उसके बाद ये कि तयन हजामा जाए हजामा के जाए हजामा का तयन आप कर ही नहीं सकते अगर तशख़ीस नहीं की हो। पहले तशख़ीस करेंगे उसके बाद आप जो है जाए हजामा का तयन करेंगे। फिर ये कि वकूए नुज़ुल मकामी तौर पे जब आप नेगेटिव प्रेशर मनफी दबाव देंगे, जब आप कप के अंदर कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि जो मादे हैं वो अलबिस्ता जो ऊपर वाली तह जिसे एपिडर्मस कहते हैं उसके अंदर वो मादे इकट्ठे हो जाएँ ताकि वहाँ से हम एवैक्यूएट कर सकें बाहर निकाल सकें, तो उसके लिए वकूए नुज़ुल मकामी का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर वकूए नुज़ुल नहीं होता तो वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ये हजामे की मुबादियात में से फिर यह कि तयन किस में शर्त कि आपने जो शर्त लगानी है जो आपने स्क्रैच लगाने हैं वो किस किस्म के होंगे, उसकी अकसाम से अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो फिर आप हजामे से वाकिफ नहीं हैं। इसी तरह मिजाजी तशख़ीस के अंदर जो हमारी बुनियादी चीज़ है कि जो इंसान की जो कैफियात हैं ये बरूदत यबूसत और हरारत और रुतूबत जो है ना, इससे आप नफ्स के ज़रिए तशख़ीस के उस मंजिल तक पहुँचेंगे कि जो आपको हजामा लगाने के लिए रहनुमाई मुहैया करेगी। इसके लिए तिब ने दर्जनों अकसाम नफ्स के बयान किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वो जिक्र करूँगा जो हजामा से बिलखसूस रिलेटेड है। उसमें से क्या चीज़ है कि नब्ज़ लैन ये गलबा रतूबत की तरफ निशानदही करती है। एक अच्छे इस हद तक तो हाजिम को नबाज होना चाहिए कि वो कम अज़ कम ये चार मैंने लिखी हुई हैं, मैंने दर्जनों की तरफ नहीं किया, सिर्फ इन चार को बुनियादी तौर पर वो समझते हैं कि नब्ज़ सलम जो है ना वो गलबा यबूसत की तरफ निशानदही कर रही है, तो उसको वो नब्ज़ से अंदाज़ा लगाए कि ये मरीज़ जो है ये यबूसत ज़्यादा है या रतूबत। नब्ज़ बती जो है वो गलबा बरूदत की तरफ निशानदही करती है और नब्ज़ शरीर जो है वो हरारत की तरफ करती है। इस तरह ये कि हजामा के तयन से पहले एक अच्छे हाजिम को ये खोज लगानी है कि वो सबब मर्ज़ को देखे, उसके बाद उसकी अंदरूनी जो बैरूनी कैफियात हैं बैरूनी अलामत हैं उसका जायज़ा ले, फिर उसके बाद ये कि अंदरूनी हालात के बारे में नब्ज़ के ज़रिए और अपनी तिब अपने इलम के ज़रिए खोज लगाए कि इसके मर्ज़ जो है वो किस हद तक उसकी कौन सी स्टेज है और किस जगह पर मैंने कैसे हजामा कर दिया, फिर जाए जमा का तयन हो सकता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जाए जमा के तयन में एक मिसाल ये है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसे हमारी टीम में अबुदुल फकरी कहते हैं, अबुदुल फकरी के अंदर वही बंदा वही हाजिम आगे बढ़ सकेगा कि जिसे तशरीह पर अबूर है, जो एनाटॉमी जानता है, जिसे तशरीह का नहीं पता वो कैसे ये अंदाज़ा लगाएगा कि फकरात उनकिया और फकरात सदरिया में जो उसका इक्तिसादी मकाम जो उसका संगम है वहाँ से जो मसल्स निकलते हैं वहाँ पर हजामा कैसे किया जाएगा, जो एनाटॉमी नहीं जानता वो कैसे उस मकाम तक पहुँचेगा। इसलिए जाए हजामा के तयन के लिए ज़रूरी ये है कि वो हाजिम जो है वो उसे तशरीह पर अबूर होना चाहिए। ये एक मिसाल आपके सामने रखी है कि ये देखिए कि अगर आपको डॉट मेरा नज़र आ रही है कि ये ऐसे आपको मरीज़ मिलेंगे कि जो कमर है ये कमर के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड वाली ये मुद फकरी की जो जगह ये दबी हुई है और साइडों से मसल्स ऊपर की तरफ आए। ऐसे मरीज़ को हजामा करने के लिए
एक अच्छे हाजिम को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कब किस नौीयत लगाऊँगा, कैसे करूँगा। एक मरीज उसे ऐसा मिलेगा कि जो जिसके ये अमूद फकरी जो है सामने नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए जब तक एक तबीयत के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होगी कि उसकी गहराई तक पहुँचे, वो कभी भी कामयाब थेरेपिस्ट नहीं बन सकेगा। कामयाब अमले इस्तफराग के लिए भी ज़रूरी है कि बंदे हाजिम के अंदर हमदर्दी का रवैया होना चाहिए। अगर हमदर्दी नहीं है तो आप समझ लें कि ये सारा निज़ाम सारा सिस्टम चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमदर्दी नहीं है। अगर आप किसी को जबरन हजामा कर रहे हैं, ये सब रवैया अपना रहे हैं, तो आप ये निशीन रखिए कि कुव्वत मुदब्बरा बदन कभी साथ नहीं देगी। कुव्वत मुदब्बरा बदन इंसान की वो कुव्वत है कि जिसे दोस्ती की ज़रूरत है, जिसे प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, कि कभी भी परेशानी के आलम में आप इंसानी जिस्म का साथ नहीं दिया करते। इसलिए माहौल और हाजिम का रवैया इतना दोस्ताना और इतना बेहतर होना चाहिए कि वो इस अमल में सही नतायज तक पहुँच सकें। मकामी नजर नजर का वो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि ये हो तो तब होगा। एक मिसाल के सामने ये रखी है कि मकामी नजर में आपको स्लाइड में तीन जना वो शेर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक जना वो नुज़ सही है, जो जिसे हम नुज़ हसन कहते हैं, उसकी मिसाल ये रखी गई है कि जैसे ही उससे फरागत हुई, ये पहली इब्तदाई स्टेज है, अभी यहाँ से हटावा इसकी उजर नहीं शुरू हुई, जो जो हमने नेगेटिव पैसे देखे करने हैं, हल्के स्क्रैच लगाने के फौरन बाद उजन शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि हाजिम ने सही फैसला किया था कि यहाँ पर मुकामी नुज़ हो चुका है और ये उजन बता रही है कि अब यहाँ पर काम किया जाए। या दूसरी स्टेज ये होती है कि अगर नहीं उजन हो रही, इसका मतलब है कि उसने जो लगाए हैं डिस्टर्ब से जो रोज लगाए हैं वो बड़े खफीफ लगाए हैं, वो अमीक नहीं लगाए, उसकी किस्म उसने दूसरी लगानी चाहिए थी। इसके बाद ये कि इसका इंतखाब करना आजकल क्योंकि सर्जिकल ब्लेड आपको बड़े स्टाक में अवेलेबल हैं, इसका इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी है कि हजामा के लिए पॉसिबल रहेगा। मैं उसका और आप ख़ासतौर पर हम अतिबा बरदरी को बहुत खुशनसीब समझते हुए, बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हुए ये इतमाद होना चाहिए कि आज हम सर्जिकल ब्लेड जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे ही डिज़ाइन किए हो, हमारे ही असलाफ ने डिज़ाइन किया। मैं उसका सबूत भी आपको देता हूँ। ये वो कप है, ये वो शक्ल है कप की, कि जो मैंने पिछले आपको स्लाइड दिखाई कि जिसमें अमूद फकरी जो है वो गहराई की तरफ है, वहाँ पे ये वाला कप इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 15 नंबर ब्लेड जो है ना, ये भी मैं ये इसकी जो जो निशान बना हुआ आगे से, उसका जो पेंट है, उसका जो कोना है, ये अलग अलग स्क्रैचेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत लंबा एक मौजूद है, मैं सिर्फ आपको एक तारुफ करवा रहा हूँ। ये अबुल कासिम ज़हरावी के डिज़ाइन करता वो सर्जिकल डिज़ाइन है जो आज भी सर्जरी में इस्तेमाल हो रहे हैं, आज भी जैसे मैंने ब्लेड दिखाए जो कर्व्ड है वो भी इसी इसमें मौजूद है। ये वाला नीचे वाला जो अबुल कासिम ज़हरावी का ही डिज़ाइन किया हुआ है, ये वाला जो ब्लेड है यहाँ पर मैं डॉट्स का काम नहीं कर रहा कि उसमें सही निशान दे कर सके, ये राइट वाला जो फर्स्ट है यही वो 15 नंबर ब्लेड है जो मैंने आपको पहले दिखाया। आज हम ये जो कर रहे हैं इस्तेमाल, कम अज़ कम अब तो सजीद के मुसन्निफ अबुल कासिम ज़हरावी की एक दफ़ा तालियाँ बजाएं, हमारे मुताबरीन को अल्लाह ताला अपने मखसूस मंदों में शामिल करें। ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये आप देखिए फिर आगे बात।
अच्छे साथी हजामा विंग के अंदर हैं। मुझे हकीम अहमद सार साहब ने कहा जी कि हमारे पास एक पेशेंट भी है और अगर आप तैयार हो तो यहाँ पर स्टेज पर हजामा करके दिखा दिया जाए तो क्या आप ऐसा कर सकेंगे। तो मैंने अब देखी कितनी वो इस बात के अंदर कितना इखलास है, कितनी हमदर्दी है आप लोगों के साथ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ दिखा दी जाए, ले ली जाए। कभी इससे पहले हुकामा पे ये तोहमत लगा रहती थी कि ये सीनों में राज देके जाते हैं, हालांकि ये तोहमत है।